गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम दीपक दिलौड़ फ्रॉम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पटवापर। आज की जो हमारी क्लास है वो है योग की। योग में मैं आपको क्या है, शीर्षासन कराऊंगा कि शीर्षासन से आपको क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से आपको क्या है पोजीशन लेनी होती है, किस प्रकार से आपको क्या है शीर्षासन से को कर सकते हैं। सबसे पहले शीर्षासन करने से पहले क्या है, हमारे शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लेंगे और हल्की क्या स्ट्रेचिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारे शरीर में क्या है जकड़नपन है वो क्या है दूर हो जाए और हमारा शरीर क्या है आसन के लिए क्या है पूरी तरह से वार्म अप हो जाए। तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, दोनों हाथों को हाथों में फंसा कर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, शाबाश, रिलैक्स अगेन, नाउ रिलैक्स, अब आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच, रिलैक्स। अब थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमने शीर्षासन करना है तो हमारा शीर्षासन में जो अहम रोल होता है वो गर्दन का ही होता है। गर्दन को आगे की तरफ, अब साइड में, अब हाफ स्ट्रेट करेंगे, जो हमारी थोड़ी है ये हमारे सीने से लगकर ऐसे पूरी जोड़ से आके खुली, बैक ऑफ, गर्दन को राइट से लेफ्ट रोटेट करेंगे, आराम से आंखें खुली सभी बच्चों की, क्योंकि यदि आप आंख नहीं खोलेंगे आंख बंद करेंगे तो आप क्या चक्कर आ जाएंगे। अब साइड चेंज करेंगे, आराम आराम से करना है ये गर्दन की एक्सरसाइज, बिल्कुल आराम से रिलैक्स। अब हाथों को थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे साइड में, अब पैरों को थोड़ा खोलकर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ये अपोजिट पैर पे हाथ लगाना पूरा। तो अब क्या है, हम शीर्षासन के लिए पूरी तरह से क्या है वार्म अप हो चुके हैं। तो शीर्षासन करने के लिए हमें क्या है वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे ऐसे। इस पोजीशन में बैठने के पश्चात दोनों हाथों को हाथों में फंसा कर ऐसे ज़मीन पर रखना है और कोहनियों को ठीक ऐसे रखना है। उसके पश्चात हमारा जो सिर है ठीक है, उस सिर को दोनों हाथों के बीच में ऐसे, और फिर आराम आराम से क्या है ऊपर की तरफ पैरों को उठाना है, ये पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, कोहनियों के बल क्या है और सिर के बल आपको क्या तालमेल बनाए रखना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ यानी कि पैरों को क्या स्ट्रेच करना है। जितना भी समय हो बैलेंस के साथ पैरों को ऊपर उठाकर रखना है। आराम आराम से पैर को नीचे की तरफ लाएंगे। ये था हमारा शीर्षासन। इस आसन को एक बार फिर से दोबारा करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे हाथों में फंसाएंगे, ऐसे रखेंगे और कोहनियों को क्या ऐसे रखेंगे, और फिर सिर को क्या है हाथों के आगे रखकर आराम आराम से क्या है ऊपर की तरफ पैरों को ले जाएंगे। ये पैरों के पंजों को क्या आसमान की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स, आराम आराम से वापस आएंगे, फिर आराम आराम से ऊपर उठ जाएंगे।
तो ये था हमारा शीर्षासन। इस आसन को करने से क्या फायदे हैं? इस आसन के करने से एक तो जो हमारी गर्दन होती है वो क्या है, मजबूत बनती है। एक हमारा जो मेरुदंड, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है वो क्या है, मजबूत बनता है। हमारा जो साइड का फैट है वो दूर जाता है। हमारे जो पैरों के जो मसल्स होती है, हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है, ये भी, और जो फीवर की हड्डी होती है वो भी क्या है, मजबूत बनती है। ठीक है, एक जो हमारा रक्त का जो संचार है वो भी क्या है, पहले क्या है नीचे से ऊपर के होता है, फिर शीर्षासन करने में क्या है ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, यानी कि पैरों से सिर की तरफ क्या है पूरा जो रक्त का संचार है वो सिर की तरफ हो जाता है। इसके करने से एक जो हमारा जो मेरुरज्जु यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी क्या है, मजबूत होता है। हमारा जो ध्यान है वो भी क्या है, एक जगह पर एकाग्रित होता है। इससे हमारे पूरे शरीर का क्या है, संतुलन भी बनता है। इस आसन के करने से हमारा जो है हार्ट क्या है, मजबूत होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा क्या है, मजबूत बनता है। हमारा जो एंड्योरेंस पावर है वो भी क्या है, इससे मजबूत बनती है। तो इस आसन में क्या है, बच्चों को, सभी बच्चों को क्या है, पहले मौके में नहीं होगा, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो क्या है दीवार के साथ, दीवार होगी उसके साथ क्या है? दोनों हाथों और एक बंदे को, ठीक है, आपको साथ होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे इस पोजीशन में खड़ा होकर पैरों को क्या है आसमान की तरफ, ये ऊपर की तरफ पूरा शबर ऐसे करना है। फिर आराम आराम से क्या वापस उसी पोजीशन में आना है, ठीक है। तो ये था हमारा शीर्षासन, ठीक है। इस आसन को करने के मैंने आपके फायदे बता दिए हैं, और आज का जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।